बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नारिफ न्यूज़ की खास खास खबरों के साथ मैं हूं ताहा। खबर शामिल करते हैं मदी बहाउद्दीन से। मदी बहाउद्दीन के नोहा इलाका आला में वेलफेयर सोसाइटी की बुनियाद रख दी गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन के गांव आला शरीफ में वेलफेयर सोसाइटी की बुनियाद रख दी गई है। चीफ ऑर्गेनाइजर हामिद रजा गोंदल ताहिर का, आमिर रजा गोंदल दिलहाड़ा, रिजवान अहमद गोंदल यूएसए स्पोक्समैन, सुहेल शहजाद गोंदल एफएम 98 ने वेलफेयर सोसाइटी का ऐलान किया। सोसाइटी का मकसद अहलियाने आला और गाँव की बिला तफरीक फलाह और बेवाओं की मदद करना है। गरीब बच्चियों के लिए जहेज, गरीब और नादार अफराद के लिए मुफ्त खाना, गाँव की सफाई, मुस्तहिक बच्चों की तलीमी इमदाद के साथ साथ ओवरसीज़ अहलियाने गाँव की फलाह को यकीनी बनाना है। 5 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिनका इंतखाब बाहमी राय के ज़रिए किया गया है। कमेटी मेंबरान में मियाँ मोहम्मद यूसुफ, इमाम मस्जिद साहबजादा यासर रजा अब्बासी, मोहम्मद हदायत गोंदल ताहिर का, शाहिद इमरान गोंदल, तारिक महमूद गोंदल मुंतखब हुए। अहलियाने गाँव ने कमेटी मेंबरान को मुबारकबाद दी और भरपूर तआवुन की यकीन दहानी करवाई। कमेटी मेंबरान ने ओवरसीज़ और अहलियाने गाँव से वेलफेयर सोसाइटी के लिए बढ़ चढ़ कर फ़ंड देने की इस्तदा की और अहलियाने गाँव की फलाह के लिए पूरी ईमानदारी और बिला तफरीक मसाइल का हल करने का आदा किया और गाँव आला को ज़िला मंडी बहाउद्दीन का मसाली गाँव बनाने का अहद किया। आखिर में इस्तकामत के लिए इज्तमाही दुआ भी की गई। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट के लिए 9 फोन न्यूज़ के साथ रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।